नमस्ते दोस्तों, सोने की चिड़िया नया भारत नई उड़ान के इस तीसरे एपिसोड बोधशाला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे पिछले दो एपिसोड्स पर आपके निरंतर आते फीडबैक्स, कमेंट्स और प्रशंसा ने हमारी पूरी टीम का उत्साह कई गुना बढ़ा दिया है। मुझे और हमारी पूरी टीम को अत्यंत खुशी है कि भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाने का यह सपना अब सभी देशवासियों का सपना बनने लगा है। पिछले दो एपिसोड्स में हमने जाना कि कैसे हमारा देश खेती और कपड़ा उत्पादन में बहुत समृद्ध था। हवा जितना हल्का कपड़ा बनाने से लेकर हजारों किस्मों के चावल उगाने तक की तकनीकों में हमारे पूर्वज बहुत ही कुशल थे। और हमने जाना कि कैसे खेती और कपड़ा उद्योग ने भारत को सोने की चिड़िया बनाने में एक बड़ा योगदान दिया। दोस्तों, हर देश की एक ब्रांड आइडेंटिटी होती है, यानी ऐसा कुछ जिसकी वजह से वह देश पूरे विश्व में जाना जाता है। और पिछले कई हजारों वर्षों से भारत की पहचान है उसका आध्यात्मिक ज्ञान व इस ज्ञान से निकली अनेकों विद्याएं। आज भी हर साल लाखों विदेशी लोग भारत में आत्मिक ज्ञान, सुख और शांति की तलाश में आते हैं। जीवन को जीने की असली कला स्वयं को जानना, इस प्रकृति के साथ अपना रिश्ता पहचानना और आर्थिक उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक संपदा को भी कमाना, यही तो है भारत की असली देशना और सही पहचान। और यही आध्यात्मिक ज्ञान आधार रहा है भारतीय शिक्षा का भी। हमारे पूर्वज ये जानते थे कि किसी भी राष्ट्र या सभ्यता की योग्यता व उन्नति निर्भर करती है उसकी मजबूत शिक्षा व्यवस्था, प्रणाली व शिक्षा के विस्तार पर। तो आज हम जानेंगे कि कैसे हमारी शिक्षा नीति व व्यवस्था ने भारत को सोने की चिड़िया बनाने में एक अहम भूमिका निभाई और कैसे बहुत ही चालाकी व सिस्टमैटिक तरीके से ब्रिटिश राज ने सदियों से चली आई हमारी पारंपरिक शिक्षा प्रणाली को बुरी तरह से तोड़ दिया। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि शिक्षा आखिर किसे कहते हैं। क्या स्कूल और कॉलेज जाकर अलग अलग विषयों में डिग्री ले लेना शिक्षा है? क्या अक्षर पढ़ लेना शिक्षा है? क्या इंग्लिश में बातचीत कर लेना शिक्षा है? क्या किताबों में लिखी बातों को रट लेना शिक्षा है? और शिक्षा का असली उद्देश्य क्या है? एक नौकरी पा लेना, या बड़े घर में शादी हो जाना, या फिर अपने सामने वाले को शिक्षा के नाम पे छोटा दिखाना, वो उसका शोषण करना? क्या है शिक्षा और क्या है शिक्षा का असली उद्देश्य? क्या आधी अधूरी भौतिक प्रगति को शिक्षा व विकास मानना सही है? एक तरफ तो हम अंतरिक्ष की खोज में लगे हैं, चांद पर लगातार रॉकेट्स भेज रहे हैं, मंगल ग्रह पर कॉलोनी बनाने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारी नदियां और समुद्र लाखों टन कूड़े के डाले जाने से जहरीले हो रहे हैं। हमारी जमीनें केमिकल फर्टिलाइजर के अंधाधुंध उपयोग से कैंसर जैसी बीमारियों को जन्म दे रही हैं। हमारे नलकों में तो पानी बटन दबाते ही आने लगा है, मगर वर्षा का पानी अब कई स्थानों पर बहुत अधिक और कई अन्य स्थानों पर जरूरत से कम बरसने लगा है। ये बाहरी शिक्षा जो कि विदेशियों ने हम पर थोपी, इससे हम अपने लिए भौतिक सुख तो जुटा पा रहे हैं, मगर हम अपने परिवारों, अपनी संस्कृति, सभ्यता और हजारों वर्षों के आध्यात्मिक ज्ञान और प्रकृति से पूरी तरह कटते जा रहे हैं। हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली ऐसी नहीं थी, उसमें पर्यावरण को भोगना नहीं, उससे जुड़ना सिखाया जाता था। उसमें किसी भी सामाजिक वर्ग या व्यक्ति का शोषण नहीं, बल्कि सर्वे भवन्तु सुखिना, यानी सभी का मंगल हो, जैसा ज्ञान दिया जाता था। हमारी सदियों से चली आई शिक्षा प्रणाली हमें इस जगत के हर तत्व से जोड़ने का एक अनूठा प्रयास थी। हमारी उस समय की शिक्षा व्यवस्था ने भारत को अनगिनत ऋषि, विचारक, वैज्ञानिक, विद्वान, आविष्कारक, नीति निर्माता, अर्थशास्त्री,
राजनीतिज्ञ, इंजीनियर्स, डॉक्टर व कुशल कारीगर भी दिए। प्राचीन भारत में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था जहां भारत ने महारत ना हासिल की हो, चाहे वह आयुर्वेद हो या ऋषि पाणिनि द्वारा बनाई संस्कृत की अद्भुत व्याकरण विधि या ऋषि पतंजलि के अनोखे योग सूत्र। जीवन से जुड़े हर क्षेत्र में उस समय का भारत एक से बढ़कर एक खोजें कर रहा था। इन सभी उपलब्धियों और भारत को सोने की चिड़िया बनाने की नींव थी हमारी अद्भुत शिक्षा प्रणाली व शिक्षा व्यवस्था। इसके कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर मैं आगे बात करूंगा। समय के साथ हमारी सोने की चिड़िया की ख्याति विश्व भर में फैलने लगी और उस वक्त के कई विदेशी शासक अपनी लालच और महत्वाकांक्षाओं से चूर भारत पर आक्रमण करने लगे। इसमें से कई मुस्लिम आक्रमणकारी बहुत चालाकी से हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस यानी शिक्षा के उच्च केंद्रों को नष्ट करने लगे। मगर भारत की शिक्षा को पूरी तरह से नष्ट करके भारत को लंबे समय तक गुलाम बनाने का घिनौना काम ब्रिटिश राज ने किया, जिसका फल हम आज भी भुगत रहे हैं। हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि मॉडर्न इंडियन एजुकेशन के नाम पर जो शिक्षा हम पिछले 100-200 साल से ले रहे हैं, ये शिक्षा नहीं बल्कि अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को नौकर बनाने की एक बहुत गहरी चाल थी। ये चाल ब्रिटिश राज के मन में कई दशकों से चल रही थी, मगर इसका योजनाबद्ध सूत्रपात हुआ 1834 के दौरान, जब लॉर्ड मैकॉले नामक एक ब्रिटिश अफसर भारत आया। वह जान चुका था कि अगर भारत को खंड खंड करना है और भारत की जड़ों को खोखला करना है तो यहां की शिक्षा को तोड़ना होगा। जिस मॉडर्न एजुकेशन की मैकॉले बात कर रहा था उसका उद्देश्य गुलाम भारत में नौकरों की एक फौज खड़ी करना था। भारत को इससे बड़ा नुकसान शायद इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। नए भारत की सुगंध द सीकर अगरबत्ती के संग, द सीकर इंसेंस इनवोकिंग द डिवाइन। ब्रिटिश हुकूमत भांप गई थी कि भारत को लंबे समय तक गुलाम बनाए रखने के लिए यहां के लोगों को एक दूसरे से अलग करना होगा, सोसाइटी को तोड़ना होगा, भारतीयों को अपने इतिहास और हजारों वर्षों से चली आई संस्कृति से काटना होगा, लोगों में एक हीन भाव जगाना होगा और यह विश्वास दिलाना होगा कि अंग्रेज भारतीयों से बहुत बेहतर विद्वान और विकसित हैं। और यह सब आसानी से हो सकता है अगर वह भारत की शिक्षा प्रणाली को ही नष्ट कर दें और एक मॉडर्न इंग्लिश एजुकेशन भारत में लाएं। दोस्तों, दरअसल मैकॉले भारत में ऐसे लोग तैयार करना चाहता था जो दिखने में तो भारतीय हों मगर उनकी सोच, खानपान, तौर तरीके और उनकी भाषा भी अंग्रेजी हो। जिस मॉडर्न एजुकेशन की मैकॉले बात कर रहा था उसका उद्देश्य गुलाम भारत में नौकरों की एक फौज खड़ी करना था। ऐसे नौकर जो उनकी भाषा बोलते हों ताकि उनसे काम लेना आसान हो जाए। वे इन अंग्रेज भारतीयों से ही बाकी भारतीयों का शोषण करवाना चाहता था। दोस्तों, इसके लिए अंग्रेजों ने इंडियन सिविल सर्विसेज यानी ICS की परीक्षा दिलवाकर अंग्रेजी भाषा में और पश्चिमी सभ्यता में कुछ पढ़े लिखे भारतीय युवा तैयार किए। उन्हें कलेक्टर जैसा ऊंचा ओहदा दिया गया
पर उनका काम क्या था? लगान यानी टैक्स वसूली के नाम पर अपने ही किसान भाइयों के खून पसीने की कमाई से अंग्रेजों की तिजोरियां भरना। मैकॉले इतिहास में शायद पहला व्यक्ति था जिसने शिक्षा को व्यापार बनाने का विचार रखा। वह चाहता था कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को पढ़ाने में भी मुनाफा कमाए, और यदि किसी वर्ग को पढ़ाने से उनको कोई फायदा नहीं मिल रहा तो वहां शिक्षा बंद कर दी जाए। इससे पहले भारत में शिक्षा को एक बहुत ही उच्च व पवित्र कर्म की तरह देखा जाता था, मगर अंग्रेजों ने इसे भी अपने मुनाफे के लिए बेचना शुरू कर दिया। मैकॉले व ब्रिटिश राज की यह सोच भारतीयों को शिक्षा के नाम पर बांटने की एक बहुत ही घटिया नीति थी, जो भारत की आने वाली कई पीढ़ियों को भयानक दुर्गति में धकेलने वाली थी। अब सबसे पहले उन्होंने हमारी पारंपरिक शिक्षा को मान्यता देना बंद कर दिया और उसे नीचा दिखाना शुरू किया। इसके साथ ही उन्होंने इस शिक्षा के प्रति लोगों में हीनता की भावना को जगाना शुरू किया। फिर सन 1835 में उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट जारी किया, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश राज ने अंग्रेजी भाषा यानी इंग्लिश मीडियम स्कूलों को अधिक मात्रा में सरकारी पैसा देना शुरू किया। फिर उन्होंने सभी लोकल व रीजनल लैंग्वेजेस, दोस्तों यहां तक कि संस्कृत स्कूलों को भी मनगढ़ंत रूल्स बनाकर, जैसे कि हर स्कूल की पक्की बिल्डिंग होनी चाहिए, कहकर बंद करवाना शुरू कर दिया। एक तरफ उन्होंने भयंकर टैक्स लगाकर अपने खजाने भरने शुरू किए और दूसरी तरफ जनता को इतनी गरीबी में झोंक दिया कि कोई भी अब गांव के गुरुकुलों को आर्थिक सपोर्ट नहीं दे पाया। नतीजन लाखों गुरुकुल बंद हो गए और जो फिर भी चल रहे थे उन पर ब्रिटिश सरकार ने पाबंदियां लगा दी। अंग्रेजों ने ईसाई मिशनरी को बड़ी मात्रा में पैसा व फ्री जमीनें दे भारत में अपने स्कूल खोलना और प्रचार करना शुरू किया। फिर उन्होंने सभी सरकारी नौकरों को जबरन बनाया कि वह अपने बच्चों को सिर्फ अंग्रेजी स्कूल में ही भेजें। और तो और, ब्रिटिश सरकार ने सभी प्रकार की पुरानी पुस्तकों व स्टडी मटेरियल की प्रिंटिंग पर भी पाबंदी लगा दी। अब इस सब का नतीजा यह हुआ कि हमारे लाखों गुरुकुल, गांव के स्कूल्स और कई बड़े शिक्षा के पारंपरिक केंद्र बंद हो गए और भारत का एक बड़ा वर्ग अनपढ़ रह गया। अंग्रेज भारत की संस्कृति और अमूल्य ज्ञान को तोड़ने में सफल हो गए और हमने गुलामी को सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक ही नहीं बल्कि मानसिक और शायद आध्यात्मिक तल पर भी स्वीकार कर लिया। मेरे देखे ये अंग्रेजों की बहुत बड़ी जीत और हमारी लंबी हार थी। भारत को इससे बड़ा नुकसान शायद इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने सन 1822 और 1830 के दौरान भारत में कई सर्वे करवाए। एक सर्वे के अनुसार, जो कि विलियम एडम नामक अफसर ने किया, 1830 के समय बिहार व बंगाल प्रेसिडेंसी में कुछ 1,00,000, जी हाँ, कुछ 1,00,000 स्कूल थे, और मद्रास व बॉम्बे प्रेसिडेंसी में कोई भी ऐसा गांव नहीं था जिसमें स्कूल ना हो। दोस्तों ऐसे ही कुछ आंकड़े पंजाब के भी थे। इन प्राचीन स्कूलों में सभी जाति व वर्गों के बच्चे पढ़ते थे, जिसमें लड़कियां भी शामिल थी। दोस्तों उस समय की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही अद्भुत थी। कुछ बड़े पूंजीपति या राजा गुरुकुलों को आर्थिक मदद देते थे और सभी अभिभावक अपनी योग्यता के अनुसार उचित धन, जरूरत की वस्तुएं और विद्यार्थियों के लिए खाने का राशन तक जुटाते थे। सभी अभिभावक मिलकर उन बच्चों का खर्च उठाते थे जिनके माता पिता आर्थिक रूप से कमजोर थे। शिक्षा व्यवस्था में योगदान सभी का सामूहिक कर्तव्य था। यह व्यवस्था सरकार पर निर्भर नहीं थी बल्कि यह कम्युनिटी ड्रिवन और डिसेंट्रलाइज यानी विकेंद्रीय थी। यह शिक्षा प्रणाली भाषा, गणित और विज्ञान के साथ साथ सभी प्रकार की कलाओं और कुछ खास शास्त्रों का भी ज्ञान सिखाती थी। इसमें शिक्षा के बाद बच्चों को किसी शहर जाकर नौकरी की तलाश नहीं करनी पड़ती थी, बल्कि हर बच्चा
अपने ही घर और गांव में रहकर जीवन को और बेहतर व समृद्ध बनाने में अपना योगदान देता था। दोस्तों, मगर ब्रिटिश सरकार ने हमारी इस अद्भुत शिक्षा व्यवस्था को जड़ों से ही काट डाला। इसका नतीजा यह हुआ कि आज हम अंग्रेजी भाषा की गुलामी को मॉडर्न मानते हैं और जो व्यक्ति अंग्रेजी नहीं बोल पाता उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे अनपढ़ मानते हैं। मैं अंग्रेजी भाषा के खिलाफ नहीं हूं और आज विश्व में उसकी अहमियत समझता हूं। हाँ, मगर अंग्रेजी के चलते अगर हम अपनी मातृभाषा और भाषा से बने इतिहास और इससे जन्मी सभ्यता को भूलने लगे तो ये एक बड़ा दुर्भाग्य होगा। अंग्रेजों के आने से पहले भारत का हर प्रदेश अपनी जरूरतों के अनुसार शिक्षा का चयन करता था। कोई प्रदेश कृषि विज्ञान में शिक्षित था तो कोई दूसरा प्रदेश कपड़ा बुनने की कला में। आज किसान हो या बुनकर, बड़ाई हो या मछुआरा, हर कोई अपने बच्चे को बस पढ़ा लिखा कर एक ऊंचे पद पर नौकर देखना चाहता है। और इसके चलते आज के स्कूल का बच्चा दसवीं करते ही कोचिंग सेंटर को घर समझने लगता है। भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है मगर आज कोई खेती नहीं सीखना चाहता। अब सवाल यह उठता है कि क्या हमारी प्राचीन शिक्षा नए रूप में जीवित हो सकती है? दोस्तों, शिक्षा की इस क्रांति को आगे बढ़ाने और भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाने के लिए मैं आपको बस 5 सुझाव देता हूं। नए भारत की सुगंध द सीकर अगरबत्ती के संग द सीकर इंसेंस इनवोकिंग द डिवाइन। आइए अब जानते हैं कि वास्तव में अंग्रेजों द्वारा नष्ट किए जाने से पहले हमारी शिक्षा का गौरवशाली इतिहास कैसा था। दोस्तों, प्राचीन भारतीय शिक्षा का आधार था गुरुकुल, एक ऐसी व्यवस्था जो आज के स्कूल से बिल्कुल अलग थी। विद्यार्थी ज्ञान अर्जित करने के लिए गुरु के पास जाता था और वहीं रहता था। गुरुकुल पद्धति में शिष्य गुरु के साथ रहकर भोजन, सफाई, पशुपालन, खेती और जीवन यापन की सभी चीजों की देखरेख खुद ही करता था। इसलिए गुरुकुल से निकलने वाला विद्यार्थी कई विषयों में पारंगत तो होता ही था, साथ ही जीवन जीने की सारी मूलभूत कलाएं भी सीख जाता था। दोस्तों, हमारी प्राचीन शिक्षा में बुद्धि और शारीरिक बल के विकास के साथ साथ तीसरा और सबसे जरूरी आयाम था आध्यात्मिक विकास, यानी स्पिरिचुअल ग्रोथ। आम भाषा में कहें तो प्रकृति को जानने की और उसमें स्वयं की भूमिका को समझने की कोशिश। गीता जैसे अद्भुत ग्रंथ व अनेकों आध्यात्मिक कहानियां हमारी शिक्षा का अभिन्न अंग थी। वैदिक समय में ज्ञान अर्जित करने की इस परंपरा पर स्त्रियों और पुरुषों दोनों का बराबर अधिकार था। अब गार्गी और मैत्रेय नामों से शायद आप परिचित होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय के दो प्रतिष्ठित कॉलेज इन दो वैदिक काल की महिलाओं के नाम पर हैं। ये हमारे स्वर्णिम और प्राचीन इतिहास की महिला दार्शनिक यानी फिलोसफर रही हैं। वैदिक काल के गुरुकुलों की जगह बाद में विहार और विश्वविद्यालयों ने ले ली। भारतीय सभ्यता और शिक्षा की धरोहर को विश्व भर में पहचान दिलाने का कार्य प्राचीन इतिहास में किया तक्षशिला विश्वविद्यालय ने। आज के पाकिस्तान में अफगानिस्तान को छूता हुआ एक छोटा सा शहर है तक्षशिला। ऐसा माना जाता है इसे भगवान राम के भाई भरत ने बसाया था। इसी शहर में आज से कुछ 3000 साल पहले बना तक्षशिला विश्वविद्यालय, इसका 500 साल का गौरवपूर्ण इतिहास रहा।
व्याकरण का आविष्कार करने वाले पाणिनी और राजनीतिक शास्त्र के अद्भुत विद्वान चाणक्य इस विश्वविद्यालय के अनेकों गुणवान आचार्यों में से एक थे। वहीं दूसरी तरफ भारतीय मेडिसिन और आयुर्वेद के ज्ञाता चरक और महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य इस विश्वविद्यालय के प्रतिभावान विद्यार्थियों में से थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय के बाद भारतीय शिक्षा में दूसरा बड़ा नाम आता है नालंदा विश्वविद्यालय का। उस समय के मगध यानी आज के बिहार में राजगीर शहर के पास नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना 426 ईस्वी में हुई। यह विश्व की उस समय की सबसे बड़ी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। नालंदा यूनिवर्सिटी लगभग 800 साल तक शिक्षा के क्षेत्र में काम करती रही और 12वीं शताब्दी में बंद हो गई। प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने अपने एक उल्लेख में कहा है कि इंग्लैंड की फेमस ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तो शुरू ही तब हुई जब नालंदा यूनिवर्सिटी बंद हो चुकी थी। लगभग 800 वर्षों तक वैदिक व बौद्ध ज्ञान के साथ साथ व्याकरण, गणित, चिकित्सा, नीति और तर्क आदि विषयों को पढ़ाने वाली इस यूनिवर्सिटी से पढ़ना दुनिया भर के विद्यार्थियों के लिए एक बड़े सम्मान की बात थी। अपने चरम पर नालंदा में करीब 2000 शिक्षक और 10000 विद्यार्थी थे। हर 5 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक के होने से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शिक्षा का स्तर किस उच्च कोटि का रहा होगा। चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, तुर्की और ऐसे ही दक्षिण पूर्व के देशों से अनेकों अनेक छात्र यहां पढ़ने आते थे। दोस्तों, इस महान यूनिवर्सिटी के बंद होने की कहानी भी दिल दहलाने वाली है। अमर्त्य सेन बताते हैं कि कैसे सन 1193 में अफगान से आए लुटेरे बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया। उसके सैनिकों ने सैकड़ों बौद्ध भिक्षुओं व नालंदा के अध्यापकों को मार डाला और पुस्तकालय में आग लगा दी। ऐसा माना जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय 9 मंजिलों का था और यहां रखी लाखों किताबें और ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट कई हफ्तों तक जलते रहे थे। यह नुकसान शायद हम कभी भर नहीं पाएंगे। दोस्तों, भारत हमेशा से फ्री थिंकर्स यानी खुली सोच के लोगों का प्रगतिशील देश रहा है। हजारों वर्ष पूर्व हमारे देश में विश्वविद्यालय थे। गणित में हमने एलजेब्रा यानी बीज गणित, दशमलव और शून्य जैसे सिद्धांत खोजे। आर्यभट्ट ने एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल शास्त्र में नए आविष्कार किए। ऋषि सुश्रुत जैसे ज्ञानी ने प्लास्टिक सर्जरी की विद्या का प्रयोग किया। कपड़ा बुनने के सैकड़ों तरीकों से लेकर खेती करने के हजारों तरीके जानने वाली हमारी शिक्षित, संपन्न व प्रतिभावान देश को अंग्रेजों ने अनपढ़, गरीब व नौकरी करने वालों का देश बना दिया। अब सवाल यह उठता है कि क्या हमारी प्राचीन शिक्षा नए रूप में जीवित हो सकती है? क्या हम फिर से नालंदा व तक्षशिला जैसे लर्निंग सेंटर्स बना सकते हैं? क्या हमारा प्राचीन ज्ञान व विज्ञान वापस लाया जा सकता है? क्या हम अंग्रेजों की दी हुई इस मानसिक गुलामी व हीन भावना से आजाद हो सकते हैं? और क्या भारत फिर से एक नई सोने की चिड़िया बन सकता है? हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है, बल्कि ये होना शुरू हो चुका है। मगर दोस्तों, इस कार्य में हम सब देशवासियों को मिलकर साथ देना होगा। ये सिर्फ किसी एक सरकार, समुदाय या ग्रुप का काम नहीं है, इसे पूरे भारत की जनता का आंदोलन बनना होगा। दोस्तों, शिक्षा की इस क्रांति को आगे बढ़ाने और भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाने के लिए मैं आपको बस 5 सुझाव देता हूं और आशा करता हूं कि आप इन सुझावों पर अमल करेंगे। पहला, अपने और अपने आसपास के बच्चों को अपनी मातृभाषा जरूर सिखाएं। दूसरा, बच्चों को पुरानी कहानियां जरूर सुनाएं, जिससे उनके चरित्र निर्माण के साथ साथ हमारी अद्भुत कहानियां भी जीवित रहें। तीसरा, अपने परिवार में चली आई कलाएं व परंपराएं भी अपने बच्चों को जरूर सिखाएं। चौथा, ऐसे स्कूलों को बढ़ावा दें जहां मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ गुरुकुल जैसी व्यवस्था हो और जिसमें बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास पर भी काम होता हो। पांचवा,
नौकरी की मानसिकता को छोड़ अपने बच्चों को स्वयं का कुछ बिजनेस यानी व्यवसाय करने के लिए प्रोत्साहित करें। दोस्तों, अगर हम सब यह करना शुरू करें तो मुझे विश्वास है कि भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो आइए मिलकर एक नए युग का निर्माण करें। धन्यवाद। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे प्राचीन भारत में विज्ञान ने अद्भुत ऊंचाई हासिल की और कैसे अंग्रेजों ने बहुत ही चालाक तरीकों से इस विज्ञान को अंधविश्वास का नाम दे दिया और हमारे ही देश में आकर हमारी ही धरोहर को लूट व बर्बाद कर अंग्रेजों ने हमें हमारी प्राचीन सभ्यता से काट डाला।